हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं एक डेमो करने वाली हूँ, इसलिए मैं विदाउट मेकअप हूँ और मैं डेमो करने वाली हूँ एक फाउंडेशन का। और मैंने आई मेकअप इसलिए नहीं किया फाउंडेशन से पहले, जनरली मैं कर लेती हूँ जिससे कि आपको लुक पता चले, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है इसे टीनेजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी आँख फेस वॉश की वजह से रेड हो गई है क्योंकि एक मूज फाउंडेशन है और ये है बायोटिक नेचुरल मेकअप स्टार बर्स्ट मैट मूज फाउंडेशन विद एसपीएफ 20, जो कि आपको सन प्रोटेक्शन देता है। एंड क्योंकि सिल्की स्मूथ स्किन मिलती है इस फाउंडेशन से और ये सैटिनी फिनिश देता है, तो किस तरीके से काम करता है और विदाउट आई मेकअप भी क्या इसका लुक स्किन पे अच्छा लगेगा या नहीं, क्योंकि आई मेकअप पे तो फाउंडेशन का लुक चेंज हो ही जाता है, इसलिए मैं आपको यू नो कम्प्लीटली बताने वाली हूँ इसके विषय में। तो ये आती है इसकी आउटर पैकेजिंग और इसका जो प्राइस है ये है 650 रुपीज। ठीक है प्राइस, लेकिन प्रोडक्ट क्वांटिटी बहुत कम है, इसकी पैकेजिंग पैसा लगता है बहुत खर्चा कर दिया गया है। सो इसमें आपको मिलती है ओनली 15 ml, जो कि बहुत कम है दोस्तों, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर्स। अभी मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी, उससे पहले मैं बता दूं कि इसको आप इवन स्किन टोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिंगर से और फाउंडेशन ब्रश दोनों से यूज कर सकते हैं, लेकिन मूज फाउंडेशन का जो लुक है वो फिंगर्स से ज्यादा अच्छा आता है ब्लेंड करने पे। सबसे पहले मैं आपको फाउंडेशन की पैकेजिंग दिखा देती हूँ। दोस्तों, मैंने जो शेड लिया है ये शेड है स्वान 021, आप अपने अकॉर्डिंग शेड ले सकते हैं। ये है बायोटिक नेचुरल मेकअप स्टार बर्स्ट मैट मूज फाउंडेशन SPF 20 के साथ में, 650 रुपीज़ का है और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर्स। स्वान 021 मैंने अपना शेड लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं मैट मूज फाउंडेशन के विषय में लिखा हुआ है कि इसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट नहीं दिए गए हैं। लाइट सेटिन स्मूथ टेक्सचर विच ट्रांसफॉर्म द मूज टू अ परफेक्ट मैट फिनिश, ब्लेंड्स सीमलेसली एंड स्टे ऑल डे फॉर लॉन्ग लास्टिंग फ्लॉलेस स्किन टोन, लाइट वेट फील परफेक्ट मैट फिनिश। ये है मेन प्रोडक्ट, ये है फाउंडेशन। सारी डिटेलिंग फाउंडेशन के बैक साइड पर भी लिखी हुई है। ये है मूज फाउंडेशन जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में आता है। ये है फाउंडेशन, ये है इसकी ब्लेंडिंग, तो अभी मैं आपको फाउंडेशन अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ मेरी स्किन पर। मैंने इस वक्त फेस मॉइस्चराइजर लगा लिया है अच्छे से। आप कोई अच्छा फेस मॉइस्चराइजर लगाएं, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो भी आप मूज फाउंडेशन लगा सकती हैं, ऑयली है तो मूज फाउंडेशन आपके लिए ही बना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है क्योंकि विंटर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप फिर अच्छे से मॉइस्चराइज करिए अपनी स्किन को, उसके बाद आप मूज फाउंडेशन लगा सकती हैं। और ये आप देख रहे हैं मैं इसमें से प्रोडक्ट लेने वाली हूँ। इसकी जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों ये है सॉफ्ट सिट्रसी फ्रेग्रेंस, और फाउंडेशन जो है वो इस शेड में है। मेरी स्किन पे बिल्कुल परफेक्टली जाएगा क्योंकि मुझे येलो टोन ही स्किन पे अच्छी लगती है। और ये आप देख रहे हैं इस तरीके से अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, अदरवाइज वो फिर ब्लेंडिंग में दिक्कत होती है, और इतना ही सफिशियंट है। और फेस और नेक पर भी अप्लाई करना है। ओके, तो मैंने ये फाउंडेशन ले लिया है एंड अंडर आई एरिया के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई करूंगी, और इससे आप अपने डार्क सर्कल भी कवर कर सकते हैं, किस तरीके से वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अब मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और इसे बस इजीली मसाज करते हुए ब्लेंड करना है, बहुत सॉफ्टली। आप चाहें तो इसके पहले किसी प्राइमर का इस्तेमाल ना करें, किसी अच्छे प्राइमर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। बहुत ही जेंटली ये ब्लेंड हो रहा है दोस्तों, और जो मूज फाउंडेशन होते हैं उनको ना सेट करने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सी, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी मुझे, बिकॉज मुझे सिट्रसी फ्रेग्रेंस पसंद है, और आप अगर आपको भी पसंद है तो आपको अच्छी लगेगी।
और फिंगर से बहुत सॉफ्टली आपको इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि ये SPF 20 के साथ है तो इसे डे टाइम में आप अप्लाई करिएगा। ये रोजाना के लिए बहुत अच्छा मूज फाउंडेशन है। मैंने इसको डे टाइम में कई दिन लगाया है और मुझे इसका रिजल्ट काफी अच्छा मिला। ये ऑल डे स्टे करता है और इतनी जल्दी खराब नहीं होता, स्किन पे फेड नहीं होता है। एटलीस्ट 10 आवर ये अच्छे से स्टे करता है अगर आप इसको अप्लाई कर रही हैं, मतलब पूरा दिन स्टे करता है। और आप अगर कहीं बहुत ज़्यादा स्किन आपकी ऑयली है तो आप इसको ना किसी कॉम्पैक्ट से सेट कर लीजिए, फिर देखिए ये बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाता है। और अगर आप इसी कलेक्शन के अच्छे से कॉम्पैक्ट से सेट कर लेंगी तो वेल एंड गुड, वो काफ़ी अच्छे से रहेगा। सी, मैंने इसको बातें करते करते ब्लेंड कर लिया और इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। और मुझे लगता है दिन के समय इससे ज़्यादा फाउंडेशन या कुछ उस तरीके का मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करना उतना अच्छा नहीं लगता रोज़ाना में, आई मीन कॉलेज वगैरह के लिए। बल्कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और इसने अच्छी मीडियम कवरेज दी है जो कि सफिशेंट है। फुल कवरेज डे टाइम के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और जितना हो सके आप अपने मेकअप को नेचुरल रखिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं स्टूडेंट और टीनेजर्स की बात कर रही हूँ। ओके, तो आप ये देख रहे हैं फेस और नेक बिल्कुल इवन हो गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है दोस्तों। और लेकिन थोड़ा सा हाथ में यहाँ पर हल्का हल्का फंस जाता है, क्योंकि मूज फाउंडेशन आप हाथ से अप्लाई करोगे थोड़ा फंस जाता है। तो आप कोई टिश्यू लेकर के उसको क्लीन कर सकती हैं। आप देख लीजिए, थोड़ा फाउंडेशन जो है वो निकल जाता है इस तरीके से। और यदि मैं आपको बताऊं कि आपको थोड़ी सी और कवरेज चाहिए, आपको थोड़े ज़्यादा ब्लेमिश हो गए हैं या कोई स्किन थोड़ी अनइवन है ना, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा फाउंडेशन और ले लीजिए, बहुत ही लाइट। एंड देन उसको ना इस तरीके से 3 डॉट में अप्लाई कर लीजिए। और पता है मूज फाउंडेशन का ये है कि आफ्टर 2 to 3 आवर ये स्किन में जो है नेचुरल ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत अच्छा लगता है, स्किन बहुत प्रिटी लगने लगती है। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन पे कवरेज भी क्रिएट कर सकती हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीके से। तो बायोटिक का ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा विंटर के हिसाब से। और क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ही ड्राई होती है, एक्सट्रीमली जो ड्राई स्किन होती है, वो भी आफ्टर मॉइस्चराइज़र, एक अच्छा फेस मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद इसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे ना बड़ी ही चैप्ड और अजीब सी रफ रफ सी स्किन निकलने लगती है ड्राइनेस की वजह से, वैसा कुछ नहीं होगा अगर आप मॉइस्चराइज़र के बाद अप्लाई करेंगे। कोई भी फाउंडेशन हो उसको कान पर भी अप्लाई करें, बिकॉज SPF तो कानों की स्किन को भी चाहिए, अदरवाइज वो अनइवन हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये विदाउट आई मेकअप दिखाया है। और दोस्तों अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप इसको कॉम्पैक्ट से सेट कर लीजिएगा, वो किस तरीके से तो वो भी मैं आपको साथ ही करके दिखा देती हूँ। तो मैं ले रही हूँ बायोटिक का ही स्टार टच कलेक्शन से ये कॉम्पैक्ट, और इससे हल्का हल्का सा थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, मतलब बहुत ही लाइट और स्पेशली टी जोन एरिया। बाकी मूज फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट की सलाह मैं नहीं दूंगी आपको, लेकिन सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए थोड़ा सा सजेस्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत लाइटली आप डैब कर लीजिए और आप ये देख सकती हैं मेरी स्किन बिल्कुल सेट हो गई है एकदम परफेक्टली, और काफ़ी काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट आया है दोस्तों। तो ये फाउंडेशन बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं कि ये सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है फिंगर से ही, और ये लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छा है, SPF के साथ है। हाईली रिकमेंड करती हूँ, बस इसमें प्रोडक्ट क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल रारा, प्रेस द बेल आइकन, और बायोटिक के अनदर प्रोडक्ट के रिव्यू जरूर देखिएगा। बाय दोस्तों, थैंक यू।